यमुना विहार पार्षद प्रमोद गुप्ता लगातार अपने वार्ड की जनता को मच्छरों की रोकथाम के लिए जागरूक करने में लगे हैं, जिसके तहत वे प्रतिदिन सुबह अपने वार्ड में ब्लॉक अनुसार दौरा करके जनता को मच्छरों की रोकथाम एवं बचाव के उपाय बताकर जागरूक कर रहे हैं। शुक्रवार को भजनपुरा इलाके में दौरा किया गया। दौरे में स्वास्थ्य विभाग अधिकारी एवं सफाई अधिकारी साथ रहे, ताकि दौरे के दौरान सफाई एवं स्वास्थ्य से संबंधित कोई परेशानी हो तो उसे साथ के साथ दूर किया जा सके। देखिए, डेंगू मलेरिया के बचाव में हम अपने वार्ड के अंदर जन जागरण अभियान चला रहे हैं और जन जागरण अभियान का आज 5वां दिन था और बड़ा अच्छा लगता है जब गलियों में जाते हैं लोग, घर से निकल के आते हैं, अपनी गली मोहल्ले की छोटी मोटी समस्याएं हमारे सामने रखते हैं, तो उससे एक तरफ ये भी लगता है कि यहाँ सुधार की आवश्यकता है, मगर खुशी भी होती है कि मेरे क्षेत्र के लोग इतने जागरूक हैं कि वह अपनी समस्याओं के समाधान कराने के लिए आतुर हैं। पूरे क्षेत्र में दौरा करने के बाद कहीं पर कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं दिखी, अगर कुछ जगह पर लापरवाहियाँ दिखी हैं। सबके सहयोग से हमारा वार्ड पिछले वर्ष न्यूनतम स्थिति पर रहा, यहाँ पर मात्र 2 डेंगू मलेरिया के केसेस देखने को मिले। ये तस्वीरें इस बात की साक्षी हैं कि पार्षद अपने क्षेत्र की जनता के स्वास्थ्य के प्रति कितने गंभीर हैं, जो कि बैनर लेकर पूरे इलाके में सड़कों और गलियों में घूम घूम कर जनता को मच्छरों की रोकथाम और उससे बचाव के बारे में जानकारी दे रहे हैं, ताकि जनता मच्छरों को पैदा न होने दे और उनसे फैलने वाली बीमारियों से सजग रहे। इस मौसम में सबसे ज्यादा बीमारी फैलती है, जो कि मच्छरों के प्रकोप से होती है। कहना चाहते हैं, हमारे क्षेत्र की सफाई व्यवस्था बहुत अच्छी है, चाहे निगम के कर्मचारी हों चाहे दूसरे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी हमेशा साथ रहते हैं और प्रमोद जी तो कर ही रहे हैं जो कर रहे हैं काम, और हम चाहते हैं डेंगू और मलेरिया चिकनगुनिया जीरो उस पर टारगेट पर आ जाए। हमारे निगम पार्षद प्रमोद जी द्वारा आज हमारे वार्ड में 5वां दिन है लगातार, और इनका जितना प्रयास और जितना कार्य इस क्षेत्र में कर रहे हैं, और हमारे जो निगम के कर्मचारी हैं घर घर जाकर कूलर की चेकिंग कर रहे हैं, छतों पर चेकिंग कर रहे हैं, हालांकि उनको कोई ऐसा मामला अभी तक मिला नहीं है जिससे जो डेंगू मलेरिया से संबंधित हो। पार्षद की माने तो उनका यह तूफानी दौरा इस तरह ही निरंतर जारी रहेगा। पूरे वार्ड की जनता को जागरूक करने के बाद यह मुहिम रुकेगी। प्रिंस सोलंकी, तेज निगाहें दिल्ली।